वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक बार नई वीडियो नई व्लॉग में। आज मेरा फास्ट है दुर्गाष्टमी का, तो सबसे पहले आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी ना मैं पूजा पाठ करके तैयार हूँ मंदिर जाने के लिए। और आज हम लोग जा रहे हैं शीतला देवी मंदिर, जो कि काठगोदाम से आगे रानीबाग में पड़ता है। और मैं सोच रही हूँ कि अपने साथ ना मैं आप लोगों को भी माता शीतला देवी के दर्शन कराऊं। तो चलिए जोर से बोले जय माता दी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं शीतला देवी के गेट पे और हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। अभी चलते हैं दर्शन करने आगे। धीरे धीरे हल्के कदमों से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और माता रानी के दर्शन के लिए एकदम आतुर हो रहे हैं। मन खुश हो रहा है। और ना यहाँ पे जब भी आप आते हैं प्रसाद वगैरह की टेंशन मत लीजिए, रास्ते में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। जो भी चीज़ें आप माता रानी को चढ़ाना चाहती हैं वो मिल जाती हैं। और जो यहाँ का व्यू है और जो यहाँ का माहौल है एकदम दिल गदगद हो जाता है। जरूर आइए एक बार, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे का व्यू। और यहाँ पे ना धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रही है क्योंकि आज दुर्गाष्टमी है ना, इसलिए। सारे लोग यहीं पे उतार लो। तो आइए जूते चप्पल उतारने के बाद ना सबसे पहले यहाँ पे हाथ धो लेते हैं। एक तो है आ जाओ। क्या मांगे वो
दोस्तों माता रानी की महिमा अपरंपार है, उनके बिना पत्ता हिलता भी नहीं है। सडनली हमारा प्रोग्राम बना यहाँ आने का, और जब से प्रोग्राम बनाना कि हमें माता रानी से मिलना है, तब से मन बेचैन था, आंखें नम हो रही थी सुबह से, और लग रहा था कि कब मैं माता रानी से मिलने जाऊं। तो अभी वो पल आ गया है, वो घड़ी आ गई है, मैं माता रानी से मिलूंगी। और ये एहसास मुझे पहली बार हुआ माता रानी से मिलने के लिए। अभी हम लोगों ने मंदिर में पूजा पाठ कर ली है, और देखिए भीड़ बहुत ही ज्यादा है, लाइन लगी हुई है। और आज माता रानी के प्रांगण में आए हैं, तो थोड़ा सा उनके वातावरण का आनंद ले लेते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है देखने में, तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, यहीं पे बैठे रहने का मन कर रहा है। ऐसे मौके में बार बार नहीं मिलते हैं। की कृपा है कि यहाँ पे ना इंसान भी बंदर भी ऐसे खेल रहे हैं जैसे दोस्त होंगे। ये देखिए, मेरा तो ब्रेथ है, लेकिन इन लोगों का भी सुबह से ब्रेथ है। ये लोग भी सुबह से भूखे थे, जब तक पाठ वाठ नहीं किया इन लोगों ने भी कुछ नहीं खाया। अभी यही बिस्कुट लेके आए थे और खा रहे मजे से इन सुंदर सी वादियों में। सर घर जाने का मन नहीं कर रहा ना। हमारे पास बिल्ली आ गई है बिस्किट खाने के लिए। बिल्ली के मालिक के पीछे जा, इसको हाथ से मत पकड़ो बेटे, खाने दो। काटेगी हाँ और देखो यहाँ के बंदर कितने समझदार है। इसको हमने बिस्किट दिया, इसने पहले हाथों से उसको साफ करके पोछा, फिर इसको कट करके खाया, सूंघ भी रहा था उसको पहले। अब देखो मजे से खा रहा है, और ना बाइट भी इतनी छोटी छोटी ले रहा है बच्चों की तरह। ये देखो बड़ी बाइट नहीं खा रहा है, मजे से बैठ के खा रहा है बिस्किट। हम लोगों ने पूरा मंदिर घूम लिया, पूजा पाठ कर ली है, और फोटो वगैरह सब कुछ खिंचा लिए। अभी हम लोग घर को जा रहे हैं, और वो तो सही हुआ ना, हम लोग जल्दी आ गए थे, नहीं तो देखिए मेरे पीछे भीड़ बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। और जब हम लोग आए थे ना, तो सीधे दर्शन हो गए थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और अभी देखिए मेरे पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग वापस घर जा रहे हैं, और श्रद्धालु गण लगातार आते रह रहे आते रह रहे। पूरे रास्ते भर में हमने श्रद्धालु मिलते जा रहे हैं। यहाँ पे ना रास्ते में टॉयज भी मिल रहे हैं बच्चों के, सारे खिलौने मिल रहे हैं, और गदा भी मिल रही है, तलवार मिल रही है, जो आजकल रामलीला चल रही है उनके लिए धनुष भी मिल रहे हैं, सब कुछ। और माता रानी की चुनरी सब मिल रही है रास्ते में। रिंग लेनी है? कैसी रिंग लेनी है? यहाँ पे तो नहीं वाली वाली नहीं है जो आपको चाहिए? नहीं चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए उसको। इतने सारे गधा,
कितनी अच्छी लग रही है। गर्भिका यहाँ पे ना अपने लिए रिंग ले रही है, अगर उसको पसंद आता है तो, क्योंकि इसको रिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जहाँ भी जाती है मंदिर में रिंग लेके आती है। रेड वाली देना, लाल वाला। हाँ आजकल हमारी गली में रोड बन रही तो ये हाल हो रहा है। पूरे कंकड़ बिछा रखे हैं। अभी हम लोग ना मंदिर से घर आ गए हैं, और घर आने के बाद फटाफट से पहले तो मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं, उसके बाद चेंज करती हूँ, चेंज करने के बाद खाना बनाती हूँ। बच्चे सुबह से भूखे हैं तो उनके लिए पहले खाना बनाती हूँ, फिर शाम को 3 बजे से हमारी कॉलोनी में कीर्तन है तो फिर कीर्तन में जाऊंगी, और आप लोगों को भी सुंदर सुंदर माता रानी के भजन सुनाऊंगी, क्योंकि जो ये भजनों का दौर है ना नवरात्रि में ही चलता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो आप लोगों को भी ले चलूंगी। अभी मैंने ना कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, खाना बना दिया है, खाने में मैंने आज भी वेज पुलाव बना रखा है। और अभी ना एक वीडियो एडिट करनी रह गई है, उसको कर लेती हूँ, इनको खाना दे देती हूँ, ये खाना खा लेंगे और मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ तब तक। अभी ना टाइम 3:30 हो गया है और हमें जाना है कीर्तन में, फटाफट से जाते हैं क्योंकि 3 बजे का टाइम दिया हुआ है, टाइम ज्यादा हो गया है। Thank you.
अभी ना मैं कीर्तन करके घर आ गई हूँ और आजकल ना कीर्तन में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सब लोग मिलके भजन वजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे लगा आप लोगों को आज का व्लॉग? आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सरिता मिलती हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।